वेल लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ में शेयर किया था एंड्रॉइड 12 के फीचर, जहां पे कुछ फीचर्स मैंने आपको बताए थे, कुछ आपको दिखाए थे, ओवरऑल सारे फीचर्स को मैंने वहां पे कवर कर दिया जो भी एंड्रॉइड 12 के साथ में आपको मिलने वाले हैं। अब सरप्राइजिंग थिंग वहां पे क्या थी, वो ये थी कि भाई मैंने उसे अपने डिवाइस पे इंस्टॉल किया कैसे जब वो उसके लिए अवेलेबल नहीं है, या फिर अगर आप उसे किसी दूसरे डिवाइस पे इंस्टॉल करना चाहते हो तो आप कैसे कर सकते हो। तो बेसिकली ये वीडियो होने वाला है जहां पे मैं आपको फाइल्स भी प्रोवाइड करूंगा और आपको बताऊंगा भी कि आप इन्हें कैसे अपने डिवाइस पे इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे मैंने अपने इस डिवाइस पे ऑलरेडी किया हुआ है। बेसिकली ये तो Asus ZenFone Max Pro M1 है, मेरा डिवाइस जिसपे मैं सारे एक्सपेरिमेंट्स करता रहता हूं। तो चलिए देख लेते हैं क्या कुछ आज के वीडियो में रहना है और आपको कैसे करना है। तो वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना इन फ्यूचर ऐसा मजेदार कंटेंट पाने के लिए। एंड शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब देखो गाइस, अपने फोन पे एंड्रॉइड 12 इंस्टॉल करने से पहले आपको अपने फोन का बूट लोडर अनलॉक करना होगा। वेल, अगर आपको नहीं पता कैसे अनलॉक करना, आप गूगल की मदद ले सकते हो, और अगर मैक्स प्रो M1 के आप यूजर हो तो मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, वहां से आप देख करके बूट लोडर अनलॉक कर सकते हो। एंड इसके बाद में आपको कोई भी कस्टम रिकवरी अपने डिवाइस पे इंस्टॉल करने लिए, मेरे केस में ये ऑरेंज बॉक्स है, आपके में TWRP है, तभी भी काम हो जाएगा। और जो फाइल्स मैं यूज करने वाला हूं वीडियो में, सबका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी अवेलेबल है, वो आप ज्वाइन कर सकते हो और वहां से फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हो। और एक और मेन चीज आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा, आप कोई भी चीज करोगे तो उससे पहले अपने फोन का डेटा बैकअप ले लेना, किसी भी सिचुएशन में आपके फोन का डेटा मे भी उड़ सकता है, और जो मैं तरीका बताऊंगा उसमें तो डेफिनेटली उड़ेगा, तो कोई चांस नहीं बचने का, बैकअप आपको करना पड़ेगा। अब जो आपकी रोम होती है उसके अंदर कई बार आपको इंक्रिप्शन मिलता है, जिसके चलते आपको अपनी इंटरनल स्टोरेज को फॉर्मेट करना होता है। तो अब सारी चीजें मैं आपको क्लियरली बताने वाला हूं। सबसे पहले आपको फॉर्मेट में जाना है, यहां जाके फॉर्मेट कर देना है ताकि किसी भी तरह का इंक्रिप्शन आपके किसी भी फोन पे ना रहे। ये चीज ऑप्शनल हो सकती है कुछ डिवाइसेस के लिए, लेकिन ज्यादातर में अब इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। एंड इसके बाद में आपको बैक आना है, बैक आने के बाद आपको जाना है वाइप पे, यहां आपको डेल्विक कैश डेटा सिस्टम वेंडर ये सब वाइप कर देना है। एंड अगर आप पहली बार कर रहे हो इंटरनल, चाहो तो आप इंटरनल भी वाइप कर ही सकते हो। तो यहां पे हमने इसको वाइप कर दिया फिलहाल के लिए। और आपको अपनी जो भी फाइल्स हैं वो रखनी है अपने SD कार्ड में, OTG में भी आप रख सकते हो, और अगर नहीं रखते हैं OTG में तो आप माउंट पे यहां जाओगे, MTP ऑन करोगे, अपने फोन को केबल से कनेक्ट करके जो फाइल्स मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूंगा वो आपको फोन के अंदर इंस्टॉल कर लेनी है। एक फाइल होगी जो आपको अपने आप खुद से ढूंढनी पड़ेगी, वो क्या होगी, आपके फोन के लिए कोई भी कस्टम रोम, एंड्रॉइड 11 के साथ में हो तो ज्यादा अच्छी रहेगी, और उससे नीचे है तो मेरे ख्याल से उतने अच्छे से काम नहीं करेगी। तो एंड्रॉइड 11 की कोई भी कस्टम रोम आपको इंस्टॉल कर लेनी है। एंड अब मैं जाता हूं अपने फोन के एसडी कार्ड में। एसडी कार्ड में जाने के बाद में जो कस्टम रोम आप इंस्टॉल करोगे वो कोई भी हो सकती है एंड्रॉइड 11 पे, जैसा मैं बता रहा हूं। तो मैं यूज करूंगा चेरिस OS जो कि वनीला बिल्ट है, GApps वाला नहीं है। तो यहां पे हम इसको करेंगे अपने फोन के ऊपर इंस्टॉल। तो एक बार इसको इंस्टॉल हो जाने देते हैं, तब तक वीडियो कर लेते हैं स्किप। तो फाइनली हमारी रोम इंस्टॉल हो चुकी है। अब आप सोचोगे मैंने तो कस्टम रोम इंस्टॉल कर दी इसके अंदर, तो एंड्रॉइड 12 कहां से आया? तो भाई एंड्रॉइड 12 हम इंस्टॉल करेंगे GSI के थ्रू, और GSI रोम्स जो होती है ना वो किसी भी डिवाइस के लिए कॉमन ही होती है। और अब हमें इंस्टॉल करनी है अपनी रोम, तो अब हम चलेंगे दूसरे फोल्डर में। तो एंड्रॉइड 12 Beta 1 SGSI अंडर 3GB पार्टीशन, ये फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहां आपको जाना है। इसके बाद में इसके फोल्डर के अंदर मतलब जिप फाइल आपको मिलेगी, बेसिकली आपको एक्सट्रैक्ट कर लेनी है, फिर ये फोल्डर आएगा। एंड इसके अंदर आपको मिलेगी system.img, ये आपको सिलेक्ट करनी है, एंड system.img के ऊपर ही इसको रिप्लेस कर देना। याद रखें हमने सबसे पहले कस्टम रोम डाली थी इसके ऊपर, और कस्टम रोम को फिर रिप्लेस कर रहे हैं अब हम GSI रोम के साथ में। तो इसमें भी थोड़ा सा समय लग सकता है, तब तक वीडियो को फिर से एक बार स्किप कर लेते हैं। इंतजार कराना हमारी फितरत नहीं है, एंड ना ही इंतजार करना आपकी होगा। तो फाइनली हमारी सिस्टम इमेज भी फ्लैश हो चुकी है, अब हमारा फोन एंड्रॉइड 12 बन गया। लेकिन इतना भी खुश मत हो, अभी आपका फोन बूट नहीं होगा अगर आप ऐसे ही सिचुएशन में करोगे। अब इसके लिए कुछ फाइल्स आपको और भी प्रोवाइड करूंगा, मैं सोच रहा हूं पूरा पैकेज बना के आप लोगों को दे दूं, देखते हैं पैकेज बना के दूंगा या नहीं दूंगा। अब इसके बाद में आपको DM, ये आप देख रहे हो डिसेबल DM वैरायटी फोर्स इंक्रिप्शन, ये फाइल अपने फोन पे फ्लैश करनी है। छोटी सी फाइल है जिसमें ज्यादा समय नहीं लगता, आपके फोन का इंक्रिप्शन हटा देगी, जिससे आपकी जो रोम है GSI वाली वो आपके फोन पे बूट कर पाए, अदरवाइज आप बूट नहीं कर पाओगे। तो फाइल यहां पे हमारी इंस्टॉल हो चुकी है, नीचे एक एरर भी आया फेल्ड टू माउंट सिस्टम, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके फोन में भी आएगा, कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद में परमिसिवर, ये अजीब सा नाम वाली फाइल आपको V5 मिलेगी परमिसिवर, और ये आपको स्वाइप करके यहां पे
फिर से फ्लैश कर देनी है। तो टोटली हमने अपने फोन पे 4 फाइल फ्लैश की, एक आपकी मर्जी से होगी, कोई भी कस्टम रोम आप अपने फोन के लिए चूज कर सकते हो, जो भी XD आपको सलाह दे दे वहां से ले लेना। एंड इसके बाद में जो 3 मैं आपको सलाह दे रहा हूं, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन में या टेलीग्राम चैनल पे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। ये फाइल्स हमें इंस्टॉल करनी है। अब चारों फाइल जब इंस्टॉल हो चुकी है तो रीबूट सिस्टम करेंगे अपने डिवाइस को सिंपली। तो फाइनली अब हमारा फोन बूट हो गया है और इस तरह की कुछ वार्निंग्स आपको आपके डिवाइस में मिलेंगी। बेसिकली ये एक बीटा है, प्रॉपर कोई रोम या फिर कोई वर्जन नहीं है आपके फोन के लिए एंड्रॉइड 12 वाला। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी आप सोचोगे कि यार ये तो वही पुरानी चीज है जो आपको अपने फोन के अंदर देखने को मिली थी एंड्रॉइड 10 और 11 में। तो सबर करो, यहाँ पे आपको सिंपली टैप कर देना है, आपका फोन कुछ इस तरह की हरकतें करेगा जैसे बंद हो गया हो। एंड इसके बाद में जब दोबारा आंखें खुलेंगी, अब आप पहुंच चुके हो अपने उसी UI में जो Android 12 के साथ आपको मिलता है। बाय द वे ये बीटा है, इसके अंदर आपको फीचर्स कम बग्स ज्यादा मिलेंगे। पहली बात तो आप देखो मेरी बैटरी का आइकन कहां जा रहा है और ये जो क्लॉक है वो कहां जा रही है। तो बाय द वे कुछ इस तरह का इसका ड्रॉअर आपको मिलेगा, सेटिंग्स पेज भी आपको एक बार दिखा देता हूं किस तरह का मिलेगा, ये सेटिंग्स पेज है। एंड जब यहां आ गए तो अब आप फोन में चल के आपको दिखा देता हूं, डिवाइस का नाम पिक्सल 5 दिखाएगा क्योंकि ये उसी का पोर्ट है। और इसके अलावा चलते हैं एंड्रॉइड वर्जन S पे, तो यहां आपको एंड्रॉइड वर्जन S दिखेगा। 1 अप्रैल का सिक्योरिटी पैच, मतलब गूगल प्ले सिस्टम अपडेट 1 अप्रैल का मिलेगा और सिक्योरिटी पैच 5 मई का मिलेगा। और जब आप यहां टैप करोगे तो भाई अभी अंदर ये एंड्रॉइड 11 ही दिखाता है। एंड्रॉइड 12 के लिए अभी शायद गूगल वालों ने कुछ सोचा नहीं है, तो आप यहां पे एंड्रॉइड 11 ही देख पाओगे और बाकी चीजें आप एंड्रॉइड 12 वाली यहां पे एंजॉय कर सकते हो। तो ये वो सिंपल सा तरीका था जिससे आप अपने डिवाइस पे इंस्टॉल कर सकते हो। एंड मैं रिकमेंड करूंगा उन लोगों को जो बहुत ज्यादा एडवेंचरस हैं, सिर्फ वही अपने फोन पे इसको ट्राई करें क्योंकि इसमें इतनी ज्यादा सरदर्दी आप लोगों को होने वाली है, मे बी आपका एक दिन से ज्यादा इस रोम के साथ में बिताना मुश्किल हो जाएगा। और मैंने भी अपने डिवाइस को सिर्फ एक दिन इसको इंस्टॉल किया है, अब मैं इसको चेंज करने वाला हूं इस वीडियो को तुरंत बाद में। तो नॉर्मल यूजर्स को मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर आप एंड्रॉइड 12 के फीचर्स में इंटरेस्टेड हो तो मैंने वीडियो बना दिया, आप वो वीडियो देखकर अपना मन फिलहाल के लिए बहला सकते हो, जब स्टेबल में आएगा तब आप ट्राई कर सकते हो, अभी ट्राई ना करो तो ज्यादा बेहतर है। और हाँ, अगर आप कुछ तूफानी करना चाहते हो तो मे बी यू कैन ट्राई। तो दोस्तों बस यही था आज के इस वीडियो में, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा एंड आपको काफी ज्यादा मजा आया होगा ये देखने में कि आप अपने डिवाइस पे कैसे एंड्रॉइड 12 को इंस्टॉल कर सकते हैं। अब आपको सावधानी के लिए बता दूं कि ये सिर्फ एक बीटा बिल्ट है जो कि गूगल का है, किसी रोम के लिए जो बिल्ट आते हैं वो अलग होते हैं बीटा वाले, ये गूगल की तरफ से बीटा 1 आया है जिसके अंदर आपको फीचर्स कम और बग्स ज्यादा देखने को मिलते हैं। वेल, मैं इसके साथ में ज्यादा लंबे समय कैरियर नहीं करने वाला, सिर्फ एक दिन के लिए मैंने इसको अपने फोन पे इंस्टॉल किया, वीडियो शूट किया, आप लोगों के साथ में शेयर किया और अब मैं इसको बहुत जल्दी चेंज करने वाला हूं। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसे अपने डिवाइस पे इंस्टॉल करें, बता मैंने इसलिए दिया है, आप में से कुछ लोग होते हैं एडवेंचरस जो अपने फोन पे जरूर एक बार इसको ट्राई करके देखना चाहेंगे, तो अगर आप उनमें से हैं तो ऑब्वियसली इसको अपने डिवाइस पे इंस्टॉल कर सकते हैं, अदरवाइज मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, इतने ज्यादा बग्स मुझे इसके अंदर फेस करने को मिले हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मुझे फॉलो करना चाहते हो सोशल मीडिया पे तो यहां मैंने हैंडल्स दिए हुए, यहां फॉलो कर सकते हो। शॉर्ट वीडियोस के लिए VGM शॉर्ट्स को सब्सक्राइब कर सकते हो, वहां भी काफी अमेजिंग कंटेंट छोटे छोटे वीडियोस में आपके साथ शेयर करता रहता हूं। मिलते आने वाले किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।